हाँ, पी प्लस एफ इक्वल्स टू, यदि थर्मोडायनेमिक्स में बात करोगे तो सी प्लस टू होगा, ठीक है, पर यहाँ पर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसलिए सी प्लस वन मेटलर्जी के केस में, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भी क्या होता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन आप जब थर्मोडायनेमिक्स में भी प्योर सब्सटेंस पढ़ोगे तो वहां पर भी हम समझेंगे, ठीक है ना, मतलब तो वहां पर भी आप इस चीज को समझोगे, ठीक है। और हम यहाँ यदि बात करें तो फॉर दी सिंगल कंपोनेंट, मतलब सिंगल कंपोनेंट, लाइक ऐसा बोल सकते हो कि मैंने केवल वाटर लिया, ठीक है ना, तो कंपोनेंट की बात करो, मतलब सिंगल फेज की बात करो, ठीक है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है। तो यदि मैं जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, ठीक है, तो आप लोगों को सबको ये पता है कि यदि मैं, अच्छा, इस तरह का टाइम और टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं, तो इधर मेरा लेट्स से टेम्परेचर है और मेरा टाइम है, ठीक है, या टाइम ना बोलते हुए आप ये बोल सकते हो कि इसके फेज की मैं बात करूं, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोलो कि आपने लेट से कि आपके पास -4 डिग्री सेल्सियस पर क्या था, वाटर था, ठीक है, इट इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें के इस तरह का कुछ ग्राफ आपने जो प्योर सब्सटेंस या पढ़ा होगा किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, तो वहां पर इस तरह का कुछ कर्व आपको मिलेगा। बता हम ये कर्व क्या बोलता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरा सॉलिड प्लस लिक्विड की बात कर रहा हूँ, और ये मेरा पूरा गैसीयस फेज हो गया। उल्टा भी बना सकते हो, मतलब आप चाहो तो ऐसा ना करके आप इसको ऐसा बना, ठीक है, कि और आपको क्लियरिटी आए, ऐसा ऐसा, ठीक है। आपने जो पीएस डायग्राम देखा होगा तो कुछ इस तरह का बनता है, ये आपका गेन, यहाँ पर आप बोलो कि सॉलिड है, ये मेरा दोनों का मिक्सचर है, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड, और इधर जो, फिर हम यदि और आगे बात करें तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड फेज है, या फिर आप इसको गैसियस फेज भी बोल सकते हो, ठीक है, या यदि मैं इसको लिक्विड फेज बोलूं, ठीक है, जो टीएस डायग्राम आप बनाते हो उसकी बात करें, तो ये लिक्विड है और ये आपका लिक्विड प्लस गैसियस फेज, ठीक है। टीएस डायग्राम आप ये कैसे बनता है ये पूरा डिस्कस करोगे, समझोगे, ठीक है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि यदि मैं इसका रिवर्स करूं, कि मैं डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं इसको हीट दे रहा हूं, ठीक है, तो इन केस ऑफ क्या होगा कि लिक्विड प्लस, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर होगा, तो लिक्विड प्लस गैस, तो ये जो हीट है, इन हीट्स को सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट ऑफ लिक्विड, और ये अपना लेटेंट हीट कहलाता है, और ये अपना सेंसिबल हीट कहलाता है, ठीक है। तो उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बस आप ये समझो कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फेज था मेरा, फेज क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब लिक्विड का लिक्विड है, केवल चेंज क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं आगे बात करूं कि भाई कि यहाँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेट से कि मैं कोई ऐसा टेम्परेचर जहां पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, जैसे हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम बोलते हैं कि वो लिक्विड से किसमें, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर लेट से कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर वो क्या ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गया और गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेट से कि मैंने यहाँ पर एक जो भी अमाउंट लिया है वाटर का, 1 केजी लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है और कुछ अमाउंट में गैस है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो गैस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लिक्विड की क्वांटिटी कम होती जाएगी। और यहाँ पर इस केस में बात करें तो पूरा का पूरा क्या गैस मिलता है अपने को, मतलब यहाँ पर सेचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद सुपर हीटेड होता है। ठीक है, तो ये कर्व मैं क्यों बता रहा हूँ अल्टीमेटली, तो ये कर्व बताने का रीजन ये है कि इस कर्व की हेल्प से, जैसे ये कर्व इन केस ऑफ वाटर या कोई प्योर सब्सटेंस के केस में आपका बनता है, ठीक है, उसी तरह से हम जब मटेरियल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर भी टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं एक कंपोनेंट की बात कर रहा था कि भाई मेरा ये जो भी टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन है किसके लिए है, सिंगल कंपोनेंट के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा इस तरह का मुझे कर्व मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि इसी का मैं रिवर्स करूं इन द सेंस कि ये इस तरह का कर्व था जब आपने क्या किया इसको लिक्विड से गैसेस की बात करी मैंने, लेकिन मैं यदि इसका क्या बोलता हूँ, उल्टा बोलता हूँ कि भाई ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा अगेन लिक्विड प्लस सॉलिड है, देन अगेन सॉलिड, तो यहाँ से आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया, मतलब टेम्परेचर राइज किया, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड, देन अगेन लिक्विड हो गया। ठीक है, तो ये वाला फेज क्या है आपका, सॉलिड है, ये वाला फेज क्या है आपका, सॉलिड प्लस लिक्विड है। ठीक है, और ये वाला फेज कौन सा है आपका, लिक्विड है। ठीक है, क्लियर है, ये किसके लिए था, सिंगल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, इफ देयर इज टू कंपोनेंट, मतलब यदि मैं मान लूं कि दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट के केस में क्या होगा, तो यदि मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसी का सिमिलर बनेगा, लेकिन अब मान लो कि आपने दो कंपोनेंट ले लिए, जैसे दो कंपोनेंट मतलब आपने कोई मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर ले लिया से मतलब कि अभी आपके पास प्योर सब्सटेंस केवल मैंने बात की, अब मैं क्या कर रहा हूँ वाटर प्लस शुगर दोनों का मिक्सचर ले रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में जो कंपोनेंट हो गए कितने हो गए आपके पास, दो। ठीक है, तो उस केस में भी डायग्राम कुछ इस तरह से ही मिलेगा, मतलब यहाँ पर अगेन मेरा क्या है टेम्परेचर ही है, और इधर अगेन मेरा टाइम, यहाँ पर जो कर्व मिलेगा वो कर्व कुछ मुझे इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा मिलने का रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये समझो कि इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में तो वो क्या था, ये सॉलिड ही होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो ये हो गया मेरा सॉलिड प्लस लिक्विड वाला मिक्सचर। बोलो, अरे बोलना आगे, तो क्या करें, मुझे नहीं पता बेटा, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद लगाओ, किसी और को लगाओ। सॉलिड प्लस लिक्विड, और ये क्या है मेरा, अगेन लिक्विड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चले, तो देखो समझो, तो ये यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये फेज में इस पर्टिकुलर में इस तरह का कर्व बनने का क्या रीजन है, क्योंकि मेरे पास मैंने जो मिक्सचर लिया है दैट इज शुगर प्लस वाटर लिया है, तो शुगर का मेल्टिंग पॉइंट या जो भी उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर होगा, एज वेल एज H2 का जो टेम्परेचर होगा, दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दोनों का टेम्परेचर पूरी तरह से अलग होगा। तो जब ये अलग है इट मींस क्या कि ये जो फेज चेंज होगा, लेट्स से कि वाटर यहाँ पर चेंज होना चाह रहा है पर शुगर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह का कुछ कर्व आपको यहाँ पर मिलता है जब आपको क्या दो कंपोनेंट मिलते हैं। क्लियर है, तो ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है अल्टीमेटली, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसका, तो ये आपका हो गया लेट्स से कि ये आपका सॉलिड टेम्परेचर हो गया और ये पूरा लिक्विड टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इस तरह की बात करेंगे। क्लियर है, चलिए, तो आई थिंक ये कुछ समझ में आया होगा, यदि नहीं भी आया तो कोई इसका इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि आप इसको थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को, सर बार बार बता गायब दो हो रहा बेटा, कोई तो बता।
सर बार बार गायब हो रही है। गायब हो रही है। अच्छा एक सेकंड। ठीक है अब सही आ रहा है। यस सर। चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा फेज डायग्राम की। फेज डायग्राम की बात करते हैं। फेज डायग्राम अब मैं मटेरियल साइंस पे आ रहा हूँ। ठीक है तो ये जो था मेरा मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी। ठीक है अब इसी तरह का टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर आपको मटेरियल के केस में भी मिलेगा। ठीक है चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर न्यू टॉपिक। मतलब इसी का ये तो हम समझ ही चुके थे फेज डायग्राम। ठीक है फेज डायग्राम ही हमारा टॉपिक था। ठीक है अब फेज डायग्राम जैसे मैंने बता ही दिया कि ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है तो जो भी इक्विलिब्रियम फेजेस होते हैं इक्विलिब्रियम फेज बाउंड्रीज होती है या उन दोनों का जो भी कंपोजिशन होगा एट अ पर्टिकुलर कंडीशन द वेरिएबल्स कैन बी कंपोजिशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑब्वियस है कि मैंने ये भी डिस्कस कर चुका था कि इसके जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे कंपोजिशन होगा टेम्परेचर होगा और पूरी मेटलर्जी में हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो इसलिए आप बस ये याद रखो कि फेज डायग्राम में यहाँ पर जो भी आपको माइक्रोस्ट्रक्चर या जो भी इक्विलिब्रियम फेजेस मिलेंगे वो किसके कंपोजिशन और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनेंगे। ठीक है तो फेज डायग्राम फॉर टू कंपोनेंट ये भी तो टू डिफरेंट केमिकल स्पीसीज होगी जैसे मैंने कॉपर निकिल का एग्जांपल या किसी दो कंपोनेंट का भी एग्जांपल तो वो क्या कहलाएगा मेरा बाइनरी फेज डायग्राम। ठीक है यदि टू डिफरेंट केमिकल स्पीसीज है तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं बाइनरी फेज डायग्राम। ठीक है अब इसमें जब मैं आगे बात करूंगा तो इसमें दो लाइंस आएगी दैट इज लिक्विडस लाइन और सॉलिडस लाइन। ठीक है तो लिक्विडस लाइन का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम लाइन व्हिच इज सेपरेटिंग लिक्विड फेज विद द लिक्विड फेज विद द लिक्विड प्लस सॉलिड फेज। ठीक है मतलब लिक्विड और लिक्विड प्लस सॉलिड फेज क्या करती है एक दूसरे को सेपरेट करती है तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं लिक्विडस लाइन। और सॉलिडस लाइन क्या होती है इक्विलिब्रियम लाइन व्हिच इज सेपरेटिंग लिक्विड एंड लिक्विड प्लस सॉलिड फेज एंड विद द सॉलिड फेज। ठीक है तो इस तरह की लाइन को हम क्या बोलते हैं सॉलिडस लाइन। ठीक है एक और लाइन होती है जिसको हम सॉल्वेंट लाइन बोलते हैं सॉल्वस लाइन बोलते हैं सॉरी सॉल्वस लाइन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है तो इक्विलिब्रियम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है तो ये तीनों लाइन हम आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों लाइन्स क्या होती है। ठीक है तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है या इसका यूजेस क्या है। ठीक है तो इसी में नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें या सब हेडिंग डाल लें इक्विलिब्रियम डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर नंबर वन That is, it shows the phase present. Phase का मतलब क्या समझा था हमने जैसे लिक्विड सॉलिड और गैस की फेज की बात करी थी हमने कि भाई वाटर का होगा। ठीक है पर इन केस ऑफ मटेरियल साइंस या मेटलर्जी हम केवल दो ही फेज की बात करते हैं या तो लिक्विडस फेज की या सॉलिड मतलब या तो लिक्विड होगा या सॉलिड फेज होगा या फिर लिक्विड प्लस सॉलिड फेज होगा। ठीक है पर गैसेस फेज की हम बात नहीं करेंगे मटेरियल साइंस में पूरी तरह से। ठीक है तो इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या शो करता है बेटा फेज जो प्रेजेंट है उसका डिफरेंट कंपोजिशन पर और डिफरेंट टेम्परेचर पर या अंडर स्लो कूलिंग या फास्ट कूलिंग जो भी जिस तरह का भी कूलिंग हम करते हैं वो यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर या किस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर या किस तरह का प्रॉपर्टीज हमको यदि हम इस तरह से कूल करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है अल्टीमेटली। ठीक है सेकेंड थिंग इज इट इंडिकेट इक्विलिब्रियम सॉलिड सॉलिबिलिटी ऑफ वन एलिमेंट आर कंपाउंड इन द अनादर। ठीक है मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि एक जो भी सॉलिड है ये वो दूसरे
के साथ किस तरह से कंपोजिशन में कितनी जल्दी या कितने कंपोजिशन तक भी वो एक दूसरे से सॉल्युबल है, उसके बाद सॉल्युबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको दूसरी चीज क्या पता चलती है बेटा, कि जो भी आपका सॉलिड सॉल्युबिलिटी है एक एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट के साथ सॉलिड सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, किस अमाउंट में पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड थिंग इज इंडिकेट टेम्परेचर एट विच अलॉय स्टार्ट टू सॉलिडिफाई एंड द रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। मतलब आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि रेंज ऑफ मतलब किस टेम्परेचर पर जाकर वो क्या होगा, लिक्विफाई होगा, किस टेम्परेचर पर जाकर लिक्विड प्लस सॉलिड का मिक्सचर मिलेगा, और किस टेम्परेचर पर हमको दोनों का सॉलिड फेज मिलेगा, ठीक है। अब इसी फेज डायग्राम की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट फेज स्टार्ट टू मेल्ट, ठीक है। मतलब जैसे यदि मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1539 डिग्री अराउंड, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पर आपका मेल्टिंग पॉइंट, दूसरे मटेरियल्स की यदि मैं बात करूं तो एक मटेरियल यदि इस पर्टिकुलर पे मेल्ट हो रहा है तो जब मैं उसको क्या करूंगा, स्लोली कूल करता हूँ तो उसका टेम्परेचर या जो भी रेंज मिलेगा मुझे वो किस तरह से मिलेगा, या उसका जो सॉलिडिफिकेशन होगा उसके क्या डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर मुझे मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑब्टेन द अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ ईच फेज इन टू फेज मिक्सचर, मतलब टू दो कंपोनेंट्स को हम यदि क्या कर रहे हैं, दूसरे से मिला रहे हैं, तो उसका कंपोजिशन किस पर्टिकुलर रेंज में एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। आगे हम बात करते हैं, तो चार तरह के मैंने आई थिंक फेज डायग्राम आपको बताए थे कि नहीं बताए, अच्छा। तो इससे के बाद आप ये समझ लो कि हम कौन कौन से फेज डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, सेकंड थिंग इज यूटेक्टिक फेज डायग्राम। तो यूटेक्टिक फेज डायग्राम होता है, और इसी का एक दूसरा भी होता है दैट इज पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम, एंड थर्ड थिंग इज पार्शियल यूटेक्टिक फेज डायग्राम, एंड द लास्ट इज, और जो लास्ट वाला है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है से मतलब है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ सॉल्युबल ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसी में लेयर सिस्टम, ठीक है, या लेयर फेज डायग्राम सिस्टम भी बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। पर एक्चुअल में इसमें फेजेस मिलते ही नहीं, ठीक है। मैं इसको ब्रीफली बात करूं तो ब्रीफली आप ऐसा समझ सकते हो कि व्हेन टू कंपोनेंट हैव कंप्लीट सॉलिडिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज, तो ऐसे फेज को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, ठीक है। यदि एक सॉलिड या एक सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में पूरी तरह से, मतलब क्या हो जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बनेगा वो दूसरे से क्या हो जाए, एक दूसरे में कंप्लीटली क्या हो, सॉल्युबल हो, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज यदि दोनों कंपोनेंट की होती है तो ऐसे फेज डायग्राम को या ऐसे फेज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम, ठीक है। आगे यदि हम बात करें यूटेक्टिक की, तो यूटेक्टिक फेज डायग्राम में आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन एग्जिबिट कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में तो एक दूसरे से वो सॉल्युबल होंगे, पर जो सॉलिड सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो मतलब सॉलिड फेज में इनसॉल्युबल होंगे, मतलब सॉलिड में वो एक दूसरे से सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन लिक्विड में एक दूसरे से सॉल्युबल होंगे, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें है, केवल लिक्विड फेज में होगी, सॉलिड फेज में सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। पार्शियल की बात करें तो हम पार्शियल में ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड फेज में भी कुछ होगी, मतलब लिक्विड फेज में तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल ऐसा बोल सकते हैं कि होगा, ठीक है, लेकिन सॉलिड फेज में वो पार्शियली एक दूसरे से क्या होगा, सॉल्युबल होगा, या सॉल्युबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट इनटू द अनदर इज पार्शियली सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किस फेज में, सॉलिड फेज में। और यदि मैं लेयर सिस्टम की बात करूं तो लेयर सिस्टम इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फेज, मतलब ना तो वो लिक्विड में और ना ही सॉलिड में एक दूसरे से क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ऐसा किसी मटेरियल
मतलब ऐसे किसी फेज डायग्राम के उससे हमको रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो वैसे बहुत लेयर्स यूज होता है इस लेयर सिस्टम का, ठीक है, पर उसका भी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दें नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट फेज डायग्राम जो है वो हमारा क्या है, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, ठीक है, आइसो मॉर्फस फेज, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम को समझने से पहले जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा डायग्राम बताया था, टेम्परेचर और टाइम वाला जो डायग्राम बताया था दो कंपोनेंट के लिए, वो कैसा था कि यहाँ पर ये मेरा लिक्विड फेज है और ये जो फेज होगा, इस फेज की यदि मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट लाइन में ना होके, मतलब इस तरह से ना होके, इस तरह से होता है, फिर अगेन ये इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा जो है लिक्विड फेज है और ये मेरा सॉलिड फेज है, ठीक है, और ये मेरा टेम्परेचर और ये मेरा, ठीक है। तो ये कब बात की थी हमने, जब हमारे पास बाइनरी फेज डायग्राम होगा, मतलब हम दो कंपोनेंट का साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होंगे, तब की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लें कि आइसोमॉर्फस सिस्टम की यदि मैं बात कर रहा हूं तो आप ये लिख लें कि व्हेन टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट अब कॉपर निकिल हो सकता है या दो कोई भी एक दूसरे से सॉल्युबल एलिमेंट, ठीक है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। व्हेन टू कंपोनेंट हैव कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज, ठीक है, तो कंप्लीट सॉलिबिलिटी होगी दोनों फेजेस में, तो ऐसे फेज डायग्राम को हम क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए लेट्स से कि अब ये जो मैंने फेज डायग्राम जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये फेज डायग्राम आइसोमॉर्फस के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एज यूजुअल टेम्परेचर है, एज यूजुअल ये मेरा टाइम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कोई कंपोजिशन लिया, लेट्स से कि जैसे मैं दो कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, दो एलिमेंट की यदि मैं बात करूँ तो ए और बी एलिमेंट, ठीक है। आप चाहो तो यदि बुक रेफर करोगे तो बुक में आपको कॉपर और निकेल दिया, ठीक है। तो कॉपर और निकेल की यदि मैं बात करूँ तो आप ये बोल दो कि जो कॉपर है, लेट्स से 10% मेरा कॉपर है और 90% क्या है मेरा निकल है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंपोजिशन है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन की यदि मैं बात करूं तो वहां पर आपको जो इस टेम्परेचर को और इस टेम्परेचर, ठीक है, तो ये मेरा जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ से आप ये लिक्विड लाइन है तो इस टेम्परेचर को मैं टी एस से डिनोट कर रहा हूँ और इस टेम्परेचर को मैं टी ई या टी ई बोलो या टी एल बोलो, जो बोलना आपको, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब ये किस कंपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इट इज फॉर 10% ऑफ ए एंड 90% क्या है बी, ठीक है। तो मैं एक लिख रहा हूँ, दूसरे को आपको अंडरस्टूड करना है, तो 10% ऑफ ए के लिए डायग्राम बना। इसी तरह से जब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ तो ये कुछ, मतलब डायग्राम इन द सेंस कि मैं ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मुझे मिलता है, ठीक है। फिर थर्ड की बात करूँ तो इट इज, ये 10% के लिए था पहला वाला, ये दूसरा वाला जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ किसके लिए, 20% ऑफ ई के लिए। थर्ड वाला डायग्राम, मतलब थर्ड वाले की बात करें तो इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके कंपोजिशंस को, ठीक है, वेरी करते जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, ये पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जब मैं इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करता हूँ तो जो मुझे डायग्राम मिलेगा वो फेज डायग्राम मुझे क्या मिलेगा, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, ये समझ में आया। तो जब मैं अभी इसके बाद जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है उसका मैंने बेसिक दिया आपको,
कि भैया मैंने क्या बोला कि 10% ऑफ ए के लिए ये डायग्राम, 10% के लिए ये डायग्राम, 30% के लिए इस तरह से, मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होते जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। और इन सारे टीएस पॉइंट्स को और इन सारे टीई पॉइंट्स को जब मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे जो फेज डायग्राम मिलता है उस फेज डायग्राम को मैं क्या बोलता हूँ, आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। आर यू गेटिंग दिस? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये डायग्राम जब सारे कंपोजिशंस के लिए, सारे कंपोजिशंस मतलब क्या, 100% यदि ए है और 0% यदि बी है, ठीक है, तो क्या होगा? और यदि 100% बी है और 0% ए है तो क्या होगा? और यदि 10% ए है और 90% बी है तो क्या होगा? मतलब किस तरह से डायग्राम बनेगा या कैसे वेरी करेगा, ठीक है? तो इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरह का डायग्राम यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो मेरे साथ बना ले, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस पर मैंने लिया दैट इज कंपोजिशन, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, कंपोजिशन ले रहा हूँ, ठीक है। कंपोजिशन किसका, जो भी मेरा सॉलिड फेज या लिक्विड फेज है, ठीक है, उनका जो भी मटेरियल या कंपोनेंट ले रहा हूँ, ये भी उनका कंपोजिशन, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो है एज यूजुअल मेरा टेम्परेचर, ठीक है। लेट्स से कि मैंने एज्यूम किया कि कोई मेरे दो कंपोजिशन में कोई दो एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज ए एंड बी, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि ए का जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर, इट इज हायर देन, कौन सा टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज हायर देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर ए का हायर है और इसका लोअर है, ठीक है, मतलब ये कहीं ऊपर होगा और ये कहीं नीचे होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने एज्यूम किया, ठीक है, आप चाहो तो इसका उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है। उसका जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसका उल्टा डायग्राम बनेगा, और कुछ भी, ठीक है। मैंने फर्स्ट एज्यूम किया कि मेरा यहाँ पर क्या है, 100% ए है, और इस पोजीशन पर मेरा, मतलब इस लाइन पर, यहाँ पर मेरा 100% क्या है, बी है, ठीक है। ये दिख रहा है क्या आपको कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ठीक सर। है, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। हाँ तो राइट साइड का नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अब ठीक है, ये 100% ए है, ये 100% बी है, ठीक है ना। चलो अब मैंने क्या किया कि इससे कंपोजिशन को आगे बढ़ाते गया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, ठीक है। थोड़ा सा समझ, तो ये मेरे कंपोजिशंस हो गए अलग अलग, ठीक है। कंपोजिशंस को समझो, तो ये मेरा कंपोजिशन हो गया क्या, 10% ए, तो 90% क्या हो जाएगा, बी। दैट इज 20% ए, तो 10% 80% क्या हो जाएगा, बी। 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, और अगेन 100, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर क्या चेंज होते जा रहा है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर 10% नहीं, 10% बी होगा, 90% पे टेन होगा परसेंट बी, हाँ 90% है, उल्टा चल सकता है, ठीक है। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10, ठीक है ना। और बाकी में लास्ट में 100% बी हो जाएगा। तो जब मैं सारे फेज डायग्राम को, मतलब सारी ये पॉइंट्स को क्या करता हूँ, पी एस पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, इधर ई पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे फेज डायग्राम को किस तरह का मिलता है, ठीक है, ये इस तरह का फेज डायग्राम मिलता है, क्लियर है। अब एक चीज समझो, तो ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग
या मैं इसको टीएम से डिनोट कर रहा हूँ, मेल्टिंग टेम्परेचर किसका है, ए का। और ये जो टेम्परेचर है इट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर किसका है, बी का। ठीक है, मतलब ये तो अपने प्योर की बात है, बिना ये मेल्टिंग टेम्परेचर प्योर ए है तो, और ये मेल्टिंग टेम्परेचर किसका, बी है, मतलब प्योर मेल्टिंग टेम्परेचर किसका, बी का, प्योर का, तो ये आएगा। ठीक है, और ये जो बीच वाले जो पॉइंट्स मिले हैं ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारे पॉइंट्स जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, ड्राइंग किया है, क्लियर है। तो अब समझो इसके ऊपर जो फेज मिलेगा ये मेरा फेज होगा, दैट फेज इज कॉल्ड लिक्विड, और इसके बीच में जो ये फेज होगा दैट इज लिक्विड प्लस सॉलिड, और ये जो फेज होगा दैट फेज इज completely solid, ठीक है। पर एक चीज यहाँ पर ये समझने की है कि isomorphous phase diagram के लिए हम बात कर रहे हैं, तो isomorphous phase diagram में क्या है, completely soluble, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके composition को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, find कर सकते हैं, दो तरह से find कर सकते हैं, से मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि let's say कि आपने क्या किया, या तो आप composition को fix करो या टेम्परेचर को फिक्स करो, ठीक है। तो टेम्परेचर को फिक्स करोगे तो कंपोजिशन आप बता सकते हो, या आप कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन की हद से आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर की बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट्स से कि आप इस पर्टिकुलर एक लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वन मिनट, ठीक है, इससे अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड, जिसे मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, लिक्विडस लाइन, और ये मेरा सॉलिडस लाइन है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विडस लाइन है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि तीन लाइनें होगी आपके पूरे फेज डायग्राम में, लिक्विडस लाइन, सॉलिडस लाइन और सॉलिडस लाइन, ठीक है। तो लिक्विडस लाइन ये है, सॉलिडस लाइन ये है, क्लियर है। अब समझो कि आपको कोई एक लाइन, यदि मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करूं, ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या करना है, एक कंपोजिशन फाइंड करना है, ठीक है। अब कंपोजिशन फाइंड करना है कि भाई ये जो फेज है ना बीच वाला, ये वाला रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन में कितने अमाउंट में लिक्विड है और कितने अमाउंट में सॉलिड है, ठीक है। तो लेट से कि मैंने एक कोई पॉइंट मार्क किया, ठीक है, अच्छा, इसके दो रूल हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फेज जो बीच वाला रीजन है उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं ये समझो, तो देयर आर टू रूल्स, फर्स्ट रूल इज टाई लाइन एंड सेकंड रूल इज लीवर रूल, ठीक है। तो मैं पहले टाई लाइन की बात कर लेता हूँ, ताकि इसको लाइन इधर रब कर दूं इसको, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कंपोजिशन इस लिक्विड और सॉलिड फेज का जो यहाँ पे बीच में मिक्सचर है, तो कितने अमाउंट में लिक्विड होगा और कितने अमाउंट में सॉलिड होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल इज टाई लाइन, ठीक है, इस टाई लाइन रूल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और लीवर रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टाई लाइन इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो लेकिन लीवर रूल से इजीली जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाई लाइन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फेजेस इन टू फेज रीजन, तो टू फेज रीजन कौन सा है, ये वाला बीच वाला रीजन है, ड्रॉ अ टाई लाइन ऑफ आइसोथर्म, ठीक है। अब आपने बोला कि इस टेम्परेचर पर मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना लिक्विड और कितना सॉलिड फेज इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर है, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय द ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन और अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने लेट से कोई टेम्परेचर मान लो कि आपका ए कोई टेम्परेचर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ए, अच्छा ए मत मानो, आप टीपी मान लो, ठीक है, क्योंकि ए तो वो ये मान चुके हैं, टीपी टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, लाइन उसका कंपोजिशन इस पर्टिकुलर रीजन में लिक्विड कितना है और कितना सॉलिड है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक टाई लाइन ड्रॉ की, टाई लाइन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से एक आइसोथर्म लाइन ड्रॉ की, ठीक है, मतलब टेम्परेचर पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द
points where the tie line is cutting the face boundaries, draw a vertical line of these points cutting the composition axis. तो आपने क्या किया, यहां से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा किया और यहां से भी एक नीचे की तरफ लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब समझो, तो यहां पर जो फेस मिल रहा है ये कौन सी लाइन है, मेरी सॉलिडस लाइन है। तो यहां पर जो फेस मिलेगा दैट फेस इज कॉल्ड सीएस, ठीक है। और यहां पर जो फेस मिल रहा है इस पर्टिकुलर रीजन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पर कौन सा फेस मिलेगा आपको, सी एल। समझ आया, ठीक है। अब समझो, तो आपने क्या बोला कि इस पोजीशन पर, ठीक है, मतलब लेट से इसको नाम दे दो आप सी ओ, ठीक है, जो भी आपको नाम देना हो, ठीक है, कि आपको इस पर्टिकुलर इस पॉइंट को था, तो इस ओ पॉइंट पर आपको निकालना, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं आप कि इस पर्टिकुलर में आप जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप तो या तो लिक्विड कैलकुलेट करना चाहते हैं या सॉलिड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने निकालना चाहा कि कंपोजिशन ऑफ सॉलिड फेस, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज बताओ कि जब मैं इसे नीचे की तरफ आ रहा हूं तो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दैट रीजन इज सिग्निफाइज कि ये मेरा सॉलिड फेज बता रहा है और ये वाला लिक्विड फेज बता रहा है, क्योंकि इधर की तरफ ये लिक्विड फेज है, ठीक है, और इधर की तरफ मेरा सॉलिड फेज। तो आप ऐसा बोल सकते हो, सॉलिड बताना है ना आपको, तो क्या करोगे, सीओ ये वाले पे निकालना था माइनस सी एस डिवाइडेड बाय, अब ये हो गया आपका, अब आपको क्या निकालना था, सॉलिड मतलब सॉलिड फेज कितना है, तो सी ओ माइनस सी एस बाय टोटल, टोटल कितना है, सी एल माइनस सी एस, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, सॉलिड फेज। इसी तरह से मैं लिक्विड फेज निकालना चाहता था, तो लिक्विड फेज कैसे निकाल सकता था, ये समझो, तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है, तो लिक्विड फेज क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये ज्यादा है ये कम है, तो ऑब्वियस है सी एल माइनस सी ओ, और ये तो टोटल ही रहेगा सी एल माइनस सी एस। आपको यदि परसेंटेज में पूछा तो इंटू हंड्रेड कर दो, यहाँ पर भी परसेंटेज में पूछा तो इंटू हंड्रेड कर दो, क्लियर है, ये समझ आया आपको, ठीक है। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है लीवर रूल, ठीक है। अब वो लीवर रूल क्या है ये समझ लेते हैं, ये समझ आया आपको कि नहीं आया बेटा, आया सर। चलो आगे बात करते हैं, इसी में हम लीवर रूल की बात करते हैं। तो लीवर रूल, जैसे आप लीवर से ही समझते हो, लीवर का मतलब क्या होता है, कोई काम, ठीक है। तो लीवर रूल क्या है, इन द फेज डायग्राम इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ लीवर आर्म, टाई लाइन एक्ट एज अ लीवर आर्म एंड विद द फल्क्रम ऑफ द ओवरऑल कंपोजिशन। तो मतलब यहाँ पर जो ये मैंने ये ओ पॉइंट मार्क किया है ना, ये क्या कैसा बिहेव करेगा, एक फलक्रम के जैसा, ठीक है। तो फोर्स एट ईच एंड करस्पॉन्ड टू अमाउंट ऑफ द फेज एट ईच एंड, मतलब आप ये समझ लो कि ये सीएस क्या है, फोर्स है, तो ये वाला सीएस क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो यदि हम ये वाला फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये बाय टोटल, ये वाला फोर्स निकालना चाहते तो ये बाय टोटल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिक्स में कैलकुलेट किया होगा, उसी तरह की मैं कुछ यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लीवर रूल यू कैन कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ फेजेस इन द टू फेज रीजन ऑफ द फेज डायग्राम, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा ये समझ लो, तो लेट्स से कि ये मेरा लीवर है, ठीक है। अब इस लीवर में मैंने क्या बोला कि कहीं पर आप एक क्या कर दो, फलक्रम यहाँ पर कहीं लगा, ठीक है, मतलब एक आपकी रॉड है, दैट्स इट, ठीक है। अब इस रॉड में, मतलब रॉड का मतलब ये फलक्रम लगाया, मतलब ये पॉइंट आपका फलक्रम हो गया, समझ गए, कर वही रहा हूं जो पहले मैंने किया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये मेरा फलक्रम है और लेट्स से ये मेरा सी और ये मेरा डी, ठीक है। तो आप लेट्स से इस लाइन को सी और इस लाइन को डी और ये मेरी लाइन, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, क्लियर है, समझ आ गई ये बात। अब मैंने एज्यूम किया कि यहां से यहां तक का मेरा लेंथ है, दैट इज एल वन,
और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है दैट इज एल टू, ठीक है, और टोटल लेंथ चाहो तो आप उसको एल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब को क्या करना है, तो आप क्या करोगे, फोर्स आपको जैसे कैलकुलेट करना होता है तो F1L1 equals to F2L2 इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हो आप, है ना, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट यदि आपको क्या करना हो, मोमेंट निकालना हो, उसी तरह से होता है। तो यदि मैं फ्रैक्शन पूछूं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर में फ्रैक्शन कितना, तो आप क्या बोलोगे, ये बाय टोटल। यदि मैं इस पर्टिकुलर में पूछूं कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये बाय टोटल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड यदि निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें उल्टा करूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, वेट फ्रैक्शन बोलो या परसेंटेज बोलो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब समझो, तो देखो ये मेरी सॉलिडस लाइन है, सॉरी ये मेरी लिक्विडस लाइन है, ये मेरी सॉलिडस लाइन है। इस फेस की यदि मैं बात करूं और इस फेस की अभी यहाँ पर ये सॉलिडस लाइन, ठीक है, तो ये वाला फेस मेरा क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है और इतना क्या है मेरा, लिक्विड है। और इसकी आगे जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, मतलब यहाँ पर पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा लिक्विड हो जाएगा, और यहाँ पर पहुंचूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉलिड की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था, Cl माइनस CO, तो ये वाली लाइन बाय टोटल लाइन, ठीक है। टोटल लाइन कितनी है, CD, मतलब Cl माइनस CS इंटू, यदि परसेंटेज में बात कर रहा है, वेट परसेंटेज इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड बात करूं तो ये मेरा लिक्विड वाला रीजन है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये CO माइनस CS बाय CL माइनस CS इंटू 100। अच्छा, मान लो इसमें कंफ्यूजन हो गया कि भाई किसको CL लेना है, किसको CO लेना है, ठीक है, तो आप ऐसा याद रखो, ये आपको समझ में आ रहा है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा लेट्स से सॉलिड है, लेट्स से ये मेरा लिक्विड है, तो या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, तो आप ऐसा बोलो कि ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा सॉलिड है, ठीक है। तो ये याद ना रखते हुए अपन क्या याद रख सकते हैं कि ये आपका यदि सॉलिड है तो आप क्या बोलोगे, ये आपका सॉलिड है तो क्या बोलोगे आप कि ये लेंथ कितना है, इस पॉइंट को मैं एफ नाम दे दूं, यदि तो एफ डी अमाउंट ऑफ सॉलिड या वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड है FD upon CD into 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड। और यदि लिक्विड निकालना होगा तो क्या बोलोगे आप, CF upon CD into 100, ठीक है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो वेट परसेंटेज या वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड या वेट फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूटेक्टिक फेज डायग्राम की, आप आपकी अटेंडेंस फटाफट ही मार्क कर दें और मैडम का लेक्चर ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, मैडम का लेक्चर आपको ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है, अदरवाइज यदि ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस पे उसका असर आएगा, ठीक है। तो डोंट बी से दिस कि मतलब आपको नहीं करना है ना, तो आपको एनी हाउ ज्वाइन करना है। और कल से मेरे मटेरियल साइंस के लेक्चर रहेंगे और आज से साथ कपिल सर थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर लेंगे, है ना। तो गेट की क्लासेस जो लगती हैं 2:30 से, वो आप अटेंड करें, ठीक है बेटा। उत्कर्ष, यस सर। आर्यन सोनी, है ना बेटा, तो yes, आपको सबको क्लासेस अटेंड करना है आज से, ठीक है, है ना सर। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, है ना बेटा, है ना, आज के, हाँ जी बेटा बोलिए सर। हाँ, आपको मुझे बात में आवाज लगा रहे थे बट सर मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। हाँ कोई बात नहीं ना, ठीक है ना, हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ इशू नहीं, ठीक है ना, किसी ने तो रिप्लाई कर दिया ना, बस मुझे चेक करना था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।
चलो तो मैडम का लेक्चर ज्वाइन करो बेटा फटाफट जाके, है ना।